गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास है, मेरा क्लास है फ्रेजल वर्ब के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे टेक फ्रेजल वर्ब। तो जानेंगे कैसे टेक फ्रेजल वर्ब है। डेफिनेटली टेक के साथ अगर प्रीपोजिशन लग जाएगा तो एक फ्रेजल वर्ब। पर जानेंगे कैसे टेक कौन कौन सी प्रीपोजिशन लेगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसको पहले हम समझेंगे ये कौन कौन सी प्रीपोजिशन लेकर फ्रेजल वर्ब बनेगा, और फ्रेजल वर्ब होने के बाद ये कौन कौन सिचुएशन में कैसे हिसाब से यूज होगा। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। लिख लीजिए फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या, तो समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है फ्रेजल वर्ब है। ये अपन फ्रेजल वर्ब का थर्ड नंबर का क्लास है। हाँ सर, सेकंड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे फ्रेजल वर्ब होता है। तो हम आज कौन सी फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, टेक। तो टेक तो वर्ब है, फ्रेजल वर्ब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ हमको प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारा प्रीपोजिशन है लेकिन जो टेक के साथ दोस्ती करता है, हर कोई नहीं ना। क्या करेंगे, टेक अगर प्रीपोजिशन जैसे ले जाता है ऑन, ये हो जाएगा फ्रेजल वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं, हम जानेंगे कैसे कि टेक का साथ ऑन ही लगेगा, ठीक है। तो आवाज भी हो सकता है ना, तो ये जानने के लिए आपको सिचुएशन को समझना भी पड़ेगा। तो पहले क्या हो गया, टेक अगर, टेक अवर, उसके बाद टेक ओ एफ एम ऑफ, उसके बाद करेंगे। अगर कोई काम को हम स्टार्ट करते हैं, कोई न्यू काम जब हम करते हैं, ये हो जाता है टेक ऑन। हर बात याद है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा टेक ऑन, याद है। पहले लिख लेते हैं टेक ऑन स्टार्ट, ये नहीं तो एक एक करके लिखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो हो गया ना, टेक ऑन, टेक ओवर, टेक ऑफ, टेक डाउन, टेक आफ्टर, टेक ऑफ, बेटा दें। उसके बाद हम लिखते हैं टेक ऑन, कैसे जाने के टेक ऑन होगा, मीनिंग जाने के, उसके बाद हम यूज करेंगे, है ना। ये रहना दीजिए, उसके आप नीचे लिखते हैं ना, टेक ऑन कब होगा, व्हेन वी स्टार्ट ए न्यू जॉब, भी बोल सकते हैं वार, काम स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाता है क्लियर। ये सोच लीजिए, आई टेक ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, क्लियर। आई टेक ऑन द पोस्ट या पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल का पोजीशन का काम स्टार्ट किया। काम पे काम किया, कॉलेज प्रिंसिपल कहाँ होता है ये तो जानना ही जरूरत नहीं। स्कूल भी होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, इतना है स्कूल, कॉलेज, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में होता है कि नहीं, नहीं यूनिवर्सिटी में तो अभी कुछ होता है, ये तो बात की बात है ना। तो आई समझ में आएगी ना, आई टेक ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, कोई कॉलेज लिखेंगे समझ में आएगी, तो आई टेक ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, क्लियर। तो टेक ऑन का जो, जब हम कोई काम शुरू करेंगे ये टेक ऑन का प्रिपरेशन लेगा, माने टेक तो वर्ब है, जब प्रीपोजिशन ऑन लेगा तो ये हो जाएगा फ्रेजल वर्ब। तो टेक ऑन किसके लिए यूज करेंगे, जब हम कोई काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिचुएशन, जब सिचुएशन समझना है, और सिचुएशन नहीं समझेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। टेक ऑन अगर टेक ओवर हो जाएगा तो गड़बड़, तो कहाँ पे टेक ऑन है, कहाँ पे टेक ऑफ है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो टेक ऑन कब हो, जब हम कोई काम शुरू करेंगे, ये हो जाएगा टेक ऑन, ओके। अब हम चले जाएंगे टेक ओवर, याद है टेक ओवर को होगा, टेक ओवर ऐसा भी होगा कुछ चेंज होगा ना, लेकिन ये चीज को ध्यान देना। अगर हम टेक ओवर यूज करते हैं कब होगा, जब हम दूसरे के काम, दूसरे के काम को ही करते, माने दूसरे का काम छीन लेते हैं,
जैसे सोच लीजिए मैं प्रिंसिपल, तो मेरा काम वो छीन के और कोई मेरा मुझे मतलब मेरा काम को छीन के वही काम करने लगेगा, मुझे निकाल देगा, मतलब मैं प्रिंसिपल हूँ मुझे हटा के खुद प्रिंसिपल बन जाए, तो ये हो जाएगा टेक ओवर। समझ में आया ना? ध्यान दे, तो क्या बोलेंगे आप, दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या दूसरों का काम कर, दूसरों का काम अपने ऊपर ले आना। जाते हैं, जूता खोलते हैं, फिर जाते हैं, फिर जूता पहन के जाते हैं, नहीं ना,
जब आप टेकअप करते चेन्नई जा रहे हैं तो आवर फ्लाइट टेकअप अबाउट 6 PM अबाउट जो भी है, तो ये इसका मतलब ध्यान है। तो ये टेकअप एक है, दोनों चांस सही होता है, ये सरना बहुत ही क्लियर। तो पहले सेंटर देख रहे हैं, ये बिठा देते हैं, जगह नहीं होगा, एकोमोडेशन नॉट अवेलेबल, हाँ तो निकालते हैं। तो लीव द ग्राउंड ये हो गया, और ये हो गया रिमूविंग आवर बेस, I take after my father।
लगती है, हो गया टेक आफ्टर। लू के लाइफ भी लिख सकते हैं, रेजम्बर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको टेक के साथ दोस्ती करना है, इसलिए आफ्टर। अंडरस्टूड? क्लियर? तो कितना हो गया और टाइम के साथ, टाइम हमारा हो गया 15 मिनट्स ना, तो हो गया हमारा आफ्टर, टेक ओवर, टेक ऑन, टेक ऑफ, टेक ओवर, टेक आफ्टर, और क्या हो जाएगा, टेक डाउन। टेक डाउन का क्या मतलब है? हाँ, टेक डाउन का मतलब है लिखना। क्या लिखना? कुछ भी जो मैं लिखा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट लिख रहे हैं, क्या लिखूंगा, माय स्टूडेंट्स आर टेकिंग डाउन, याद देना, फुट के ऊपर भी करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले नया क्लास हम फुट के ऊपर भैया करेंगे, टाइम निकलना चाहिए, टाइम प्रभु जी एक बार देते तो करेंगे, आप लिखिए जो भी लिखा जा रहा है पढ़ते, क्लियर? ओके, तो आई टेक आफ्टर माय फादर, मैं पापा ऐसा दिखता हूँ, स्वीटी टेक्स आफ्टर माय मदर, वो मम्मी ऐसे दिखती है ना। अब हम चले जाएंगे टेक डाउन, आ रहा है ना, क्या हुआ टेक डाउन, मैं बोला ना लिखे तो क्या बोलेंगे, मेरे स्टूडेंट को बोला गया है जो लिखा जा रहा है या जो पढ़ा गया है उसका नोट कीजिए या लिख लीजिए ना, क्या लिखेंगे, टेक डाउन का लिख लीजिए टू राइट डाउन, जो जो हुआ। हाँ, और ये होता है हमारा टेक ऑन, टेक ऑन, टेक ऑफ, ये हिसाब से यूज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते, टेक ऑन, टेक ऑफ है ना, यहाँ वो यूपी ना, यूपी भी कर देते हैं ना, तो टेक डाउन, स्टूडेंट्स आर आज टू टेक डाउन द रिटर्न, क्लियर? टेक ऑफ कहाँ हुआ, टेक ओवर कहाँ हुआ, टेक आफ्टर कहाँ हुआ, टेक डाउन कब हुआ, टेक ऑन कब हुआ, टेक ऑन, टेक ओवर में ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, अमर टेक ऑन, टेक ऑफ ये केस है, लेकिन आपका भी कर देता है यूपी का, वो इफेक्ट तो हो गया, निबंध आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं यहाँ, आ रही है जरा जल्दी जल्दी, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू टेक डाउन द रिटन, मतलब लिखा हुआ नोट को स्टूडेंट को बोला गया है लिखने के लिए, हाँ पैसिव वॉइस में यूज करके उनको बोला गया है, बोला तो गया है ना, वो नहीं बोल रहे हम, उनको बोला गया है, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू टेक डाउन द रिटन नोट्स, है ना, जल्दी जल्दी, संसार काम में मैं काम तो करना पड़ेगा, तो मुझे बोले जा गवर्नमेंट बोले रिटायर,
तो हर बार ध्यान देना है, जो भी काम करना है ढंग से ना, तो जो जो हम पढ़े हैं अब तक ये एक स्टार्ट करते हैं कुछ ट्राई करते हैं मन में हर बार, तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो हमारे टाइम कितना है फिलहाल, टाइम है 20 मिनट्स है, तो हमारे पास फिर भी 10 मिनट करीब करीब है, नहीं 10 मिनट तो नहीं है फिर भी लगभग है ना। अच्छा ठीक है, तो आप पहले पढ़ लीजिए ना, उसके बाद कल हम और एक लूट करेंगे, फूड हो ये बहुत सारा है ना, गीत का है, फूड का है, उसके बाद ब्रेक का है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बहुत फैजल पर बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको एग्जाम में जो जो आता है ये पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको जो जो पढ़ा जा रहा है उसके ऊपर अच्छे से पढ़ना है, डाउट होगा उसके ऊपर डाउट क्लियरिंग क्लास भी करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।